नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच के लिए दो टीम्स कंफर्म हो चुकी है और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये दोनों ही टीम अपना पहला फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेल रही है। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी और फ्लुमिनेंस ने फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर ही लिया है और ये अपना पहला फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पहले ही एडिशन में इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही ये ट्रॉफी जीतेगा, तो वो कौन सी टीम होगी ये तो हमें आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे फीफा क्लब वर्ल्ड कप के में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अब तक, और कब ये मैच होगा, कितने बजे शुरू होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम, और आप इसे इंडिया में कैसे देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ मैनचेस्टर सिटी, जहां पर ये बहुत ज़्यादा फेवरेट्स तो थी कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप यही जीतेगी, लेकिन एक टीम जिन्होंने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है वो है ब्राज़ील का क्लब फ्लुमिनेंस। जी हाँ, फ्लुमिनेंस ने पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, और आप इन्हें जानते होंगे मार्सेलो, जो एक टाइम पर रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, और मार्सेलो रियल मैड्रिड के मोस्ट डेकोरेटिव प्लेयर भी हैं। मोस्ट डेकोरेटिव प्लेयर का मतलब इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती हैं। जी हाँ, और फीफा क्लब वर्ल्ड के बारे में अगर बात करें तो मार्सेलो चार बार ऑलरेडी फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। 2014, 16, 17 और 18 में जो गोल्डन पीरियड चल रहा था रियल मैड्रिड का, उसमें मार्सेलो भी एक बार पर टीम को लीड भी कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने ब्राज़ील के क्लब फ्लुमिनेंस में शिफ्ट किया और वहां पर भी इन्होंने अपना ब्रिलियंट फॉर्म कंटिन्यूस रखा और पहली बार कोपा लिबर्टाडोर्स भी जीता। जी हां, जिस तरह से यूरोप में होता है यूईएफए चैंपियंस लीग, उसी तरह से साउथ अमेरिका में होता है कोपा लिबर्टाडोर्स। डोमेस्टिक लीग तो अलग होती है, उसके बाद जो इंटरनेशनल लीग होती है वो भी जीती इन्होंने, और ये फ्लुमिनेंस का पहला कोपा लिबर्टाडोर्स टाइटल था। इसी वजह से तो इन्होंने फीफा क्लब के लिए क्वालिफाई किया, और पहली बार कोपा लिबर्टाडोर्स जीतने के बाद इन्होंने क्वालिफाई किया फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए। मैनचेस्टर सिटी ने भी अपना पहला चैंपियंस लीग का टाइटल जीता और ये इनका पहला फीफा वर्ल्ड कप का क्लब वर्ल्ड कप का एडिशन है। नाउ अब ये दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ फाइनल में खेलेगी। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने हराया था उरावा रेड्स, जो कि जापान का क्लब है, सेमीफाइनल में 3-0 से जीते थे, एंड अब ये फाइनल खेलेंगे अगेंस्ट फ्लुमिनेंस। तो जान लेते हैं ये मैच कब होगा। तो फ्लुमिनेंस वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये मैच खेला जाएगा 22 दिसंबर 2024 को, और ये रात के 11:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात के 11:30 बजे शुरू हो जाएगा, और ये खेला जाएगा किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में। इस मैच से पहले एक थर्ड प्लेस मैच भी होगा जो खेला जाएगा बिटवीन उरावा रेड्स एंड अल अहली, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप हो चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, थर्ड प्लेस के लिए एक मैच खेला जाता है बिटवीन द लूजर्स ऑफ सेमीफाइनलिस्ट, और उस मैच के बाद ये फाइनल मैच खेला जाएगा रात के 11:30 बजे। नाउ अब जानते हैं कि आप ये मैच इंडिया में कहां पर देख सकते हैं। तो इंडिया में इसे आप अगर टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं यूरो स्पोर्ट्स पर। जी हां, ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि यूरो स्पोर्ट पर लाइव देखा जा सकता है फाइनल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023, और अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं फैन कोड। जी हाँ, फैन कोड पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस बार आप कह सकते हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप का एक नया विनर होगा, जो हम पहले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, या तो रियल मैड्रिड या बार्सिलोना या बायर्न म्यूनिख, ज़्यादातर इन्होंने ही ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इस बार हमें एक नया वर्ल्ड कप विनर मिलेगा। तो कौन वो होगा, क्या फ्लुमिनेंस अपना पहला क्लब वर्ल्ड कप जीतेंगे या फिर मैनचेस्टर सिटी, लिखेगा कमेंट में इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।